पंजाब का सुल्तान कौन? राजा यासिर हमायूं सरफराज फेवरेट, अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मजबूत उम्मीदवार। कप्तान का शफाफ रिकॉर्ड रखने वाले नौजवान को वजीर आला की कुर्सी पर बिठाने का इशारा। इमरान खान ने पंजाब को पानीपत का मैदान करार दे दिया। पंजाब असेंबली का इजलास 13 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। इलेक्शन के बाद 21 रोज में नौ मुंतखब अरकान असेंबली का हल्फ लेना जरूरी। पुराने स्पीकर आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले अरकान से हल्फ लेंगे। आजाद उम्मीदवारों के लिए आज की डेडलाइन। किसी जमात से वाबस्तगी इख्तियार करें या आजाद हैसियत में रहें। आजाद उम्मीदवारों को बगैर किसी शर्त और दबाव के सियासी जमात में शामिल होने का बयान हल्फी देना होगा। सियासी जमात में शामिल ना होने वालों की आजाद हैसियत बरकरार रहेगी। रिटर्निंग अफसरान को कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मौसूल। आरओज ने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए तलब कर दिया। एनए 108 में दोबारा गिनती से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने आबिद शेर अली की दरख्वास्त खारिज कर दी। अगर इमरान खान के पास अक्सरियत है तो इन्हें हुकूमत बनानी चाहिए। अवाम जिसे चाहेंगे इक्तदार उसी के पास रहेगा। पार्लियामेंट में जाने का फैसला बिलावल भुट्टो का था। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। गैप को भर्ती केस एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने हाजिरी से इस्तस्ना दे दिया। साफ पानी में करप्शन, तहकीकात में अहम पेशरफ। लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले सीईओ साफ पानी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उमर मलिक एडिशनल सीईओ साफ पानी कंपनी तैनात। साफ पानी में करप्शन के जरासीम डॉक्टर जहीरुद्दीन समेत पांच मुलजमान एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुलजमान को 18 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चार मुलजमान जहीरुद्दीन, नासिर कादर, मोहम्मद सलीम और अख्तर की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर करते हुए पेशी से इस्तस्ना दे दिया। हुल्लरबाग में पांच अफराद के कत्ल का मामला। पुलिस ने नामजद मुलजमान के 20 से ज्यादा रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। नामजद नौ मुलजिमान ताहत फरार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन खुरम शाह का मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। जनाजे पर हवाई फायरिंग करने वाले 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूलीन की रस्म कुल पर फजा सौगवार। अगवा केस या कोई और मामला। 8 रोज से लापता मक्का कॉलोनी का नौजवान स्टेज अदाकारा मदीहा शाह के घर से बरामद। अहमद के दोस्तों की निशानदही पर पुलिस का छापा। मदीहा शाह नशा करवाती है, अहमद के भाई का इल्जाम। नौकरी के लिए मदीहा के घर गया था मुतासिरा नौजवान। हाईकोर्ट ने हॉर्स एंड कैटल शो रोकने के लिए दरख्वास्त नाकाबिले समाप्त करार देकर मुस्तरद कर दी। शो हमारा सकाफती वरसा है, इस पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? अदालत के रिमांड। ओल्ड कैंपस में पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट का 351वां इजलास। वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद की जेरे सदारत सेनेट का इजलास 12 साल बाद मुनाकिद हो रहा है। कुर्बान की आमद आमद, मवेशी मंडी खूबसूरत जानवरों से सज गई। व्यापारियों के नखरे, खरीदार कम, कीमतें ज्यादा। शाहपुर कांजरा मंडी कुर्बानी के जानवरों से भर गई। दरख्त लगाएं, मुल्क सरसब्ज बनाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा शजरकारी मुहिम में पेश पेश। तलबा पौधे लगाने अब्दालियन सोसाइटी पहुंच गए। कचनार, बिकायद और शीशम समेत 400 पौधे लगाए जाएंगे। बचा के
मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, हर सू जश्न आजादी की खुशियाँ, गली मोहल्ले सब हलाली परचमों से सज गए, बच्चे और बड़े दिलो जान से यौम आजादी मनाने के लिए तैयार, सबको 14 अगस्त का शिद्दत से इंतजार। बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी, आइंदा 24 घंटों के दौरान बादलों की जमकर बरसने की तैयारी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार।